दोनों आज शादी कर लिए। हाँ मतलब राजी खुशी से। हाँ राजी, कोई दिक्कत नहीं है ना? कोई दिक्कत नहीं। नोएडा जिले के फतेहपुर थाना क्षेत्र के चड़ोखरी गांव में एक अनोखी शादी का मामला प्रकाश में आया है, जहां प्रेमिका से मिलने पहुंचा प्रेमी की घर वालों ने और ग्रामीणों ने दोनों की शादी करा दी। घटना शनिवार की देर रात की है। ग्रामीणों ने शादी का वीडियो बना लिया, जो सोशल मीडिया पर अब तेजी से वायरल हो रहा है। वहीं इस शादी की पूरी क्षेत्र में चर्चा भी हो रही है। आपको बता दें कि प्रेमी जोड़े की पहचान बंटी कुमार और स्वीटी कुमारी के रूप में की गई है। बताया जा रहा है कि दोनों के बीच में पिछले 4 साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था। प्रेमी अक्सर प्रेमिका से मिलने उसके घर आया करता था और दोनों गांव के बाहर बाजार में मिला करते थे। हमेशा की तरह वो शनिवार की देर रात भी अपने प्रेमिका से मिलने के लिए उसके घर पर आया था, लेकिन इसकी जानकारी प्रेमिका के परिजनों को लग गई और फिर दोनों की शादी करा दी गई। इस दौरान ग्रामीणों को काफी भीड़ जमा हो गई थी। ग्रामीण आनंद फानंद में देर रात मंदिर में दोनों प्रेमी युगल को लाए। दोनों बालिग थे, जहां दोनों की शादी कराई गई। इस अनोखी शादी को देखने के लिए पूरा गांव पहुंचा हुआ था। शादी के लिए दोनों राजी हो गए। उसके बाद मंदिर में ही प्रेमी ने अपनी प्रेमिका से शादी कर ली। विष्णु भगवान की जय। फोटो फ्रेश लीजिए, ला लीजिए, दो तीन चार मिनट लीजिए और हर जगह पर शेयर कर दीजिए। हाँ यहाँ पे पांच बात। अरे यार नहीं अंदर वीडियो ठीक से ना लग रहा है। हां वीडियो इसको सही बना। चलिए शादी के बाद बंटी और स्वीटी दोनों काफी खुश दिखे। मंदिर में दोनों एक दूसरे के साथ रहने की कसम भी खाई। शादी के बाद रविवार को बंटी अपने गांव खेया प्रेमी को लेकर चला गया। मतलब खेतवा में हुआ जी यार। अरे इधर ऐसे खड़ा हो गया। क्या नाम हुआ आपका? बंटी कुमार। पिताजी का नाम? रज कुमार यादव। गाँव घर कहाँ? खैरा। आप लोग दोनों आज शादी कर लिए? हाँ मतलब राजी खुशी से। हाँ राजी। कोई दिक्कत नहीं है ना? कोई दिक्कत नहीं। तुम्हारा क्या नाम है बेटा? स्वीटी। तुम लोग दोनों आपस में शादी कर लियो, एकदम आज से राजी खुशी जिंदगी बिताना है। ठीक है, ठीक। बहुत बहुत धन्यवाद। शादी का वीडियो रविवार को सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। ये खबर हमने आपको बताई गया की जहाँ पर प्रेमी जोड़े ने शादी कर ली। वीओ रिपोर्ट, देसवा न्यूज, पटना।